सब रेडी तो है, बट एग्जीक्यूट कब होगा पता नहीं। देख यार हमारा प्लान ऐसे, मतलब पता ना, पहले से ही हम लोग डिसाइड करके नहीं रखते। 4-5 लोग बैठते होंगे, क्या करें जो? वो भी मैंने अभी तक लिया नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं इतना आलसी क्यों हो गया हूँ। आपको पता है, वेलकम बैक। और अभी बज रहे 1:25 दोपहर के। एक्चुअली सीन क्या हुआ कि कल रात को मैं बहुत देर से आया घर पे, क्योंकि कल सब दोस्त लोग थे, दोस्त का एक बर्थडे था एक्चुअली, तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे और सेलिब्रेट भी किया, और बहुत सारे बातें भी, और बहुत सारे प्लान्स भी बने। उसमें से एक प्लान है विला का, वो तो अभी होने वाला है, मतलब फेब में, फेब तो चल रहा है, बट डेट तो हम लोग ने कल फिक्स की है कि लास्ट वीक तक तो चले जाएंगे फेब के। बट ये तो कल रात को बात हुई है, आज किसी को याद भी है या नहीं है, बट विला का तो कंफर्म है, क्योंकि ये कल से ही नहीं, बहुत पहले से चल रहा था ये प्लान। बट कल और 4-5 और प्लान बहुत हुए, वो बस एग्जीक्यूट करना बाकी है। सब रेडी तो है, बट एग्जीक्यूट कब होगा पता नहीं, देखते कब एग्जीक्यूट होता है। देखो अभी कैसा है ना कि अभी फेब चल रहा है, बट इसके बाद मार्च अप्रैल में ये तो सब समर वेकेशन के टाइम है, तो उसमें तो प्लान बनने ही चाहिए। बट प्लान बनते ही है फ्लॉप होने के लिए, मतलब हमारे प्लान ऐसे होते हैं कि बनते नहीं है। मैंने कितने बार बोला है, मैं आपको बताऊं कि मैंने इतने सारे प्लान बनाए खुद से, वो तो कब एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है। क्योंकि पता है अभी आपको फ्रेंड सर्कल में क्या होता है कि नहीं यार आज जाते, नहीं कल जाते, नहीं आज जाते, ऐसा होता है, फिर वो होता ही नहीं है कभी। बट अभी जो जो प्लान किया है ना कल रात को, वो सब करना है, वो सब डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बस अभी मैंने एक बता दिया विला का, बट वो होने ही वाला है, वो लास्ट वीक तक चले जाएंगे हम लोग। वो सब सेट हुआ है, बस देरी है निकलने की। देखो टू बी ऑनेस्ट, कभी कभार मेरे वजह से भी प्लान फ्लॉप होते ही है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी प्लान कैंसिल नहीं करता हूँ, मैं भी करता हूँ किसी ना किसी वजह से। बट अभी ना मैं इतना आलसी हो गया हूँ ना, मुझे कुछ भी करके आलसीपना मेरा कम करना पड़ेगा, नहीं तो भाई कुछ प्लान सक्सेस होते ही नहीं है मेरे आलसीपना से। कैसा है ना कि अभी देखो कैसा है कि मुझे जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही जाता हूँ। करण और प्रकाश जाते, वो भी मुझे खींच के लेके जाते, भाई चल चल नहीं तुझे आना ही है, तो वो जाते इसीलिए मैं जाता हूँ, वरना मुझे तो कुछ ऐसा मूड होता नहीं है जाने के लिए। मैं सच्ची बोल रहा हूँ कि अगर करण और प्रकाश नहीं होते जिम में, तो गारंटी में 1-1.5 महीने से ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाता, मैं जिम जाता ही नहीं। वो तो है, वो रोज आते, मैं रोज बोलता हूँ कि आज जाना है, आज चले जाते हैं, बट नहीं, तू है घर पे तो घर पे आके लेके जाएंगे, ऐसा सीन है उनका। तो वो ठीक है, वो भी एक अच्छी बात है, वो आते और लेके जाते, उसी बहाने कुछ करता तो हूँ मैं जिम में, जाता तो हूँ मैं। इन बात स्टार्टिंग में जब मैंने लगाया था तभी बहुत एक्साइटेड था कि वहाँ रोज जाएंगे, मिस नहीं करेंगे, बट अभी तो भाई बहुत कंटाला आता है, तो ये कंटाला मुझे सच्ची कम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि बस जिम में ही जाने के लिए आलस दिखाता हूँ, कभी कभार वीडियो में भी, वीडियो एडिट करने के लिए भी आलसी हो जाता हूँ। जैसे कि अभी सपोज मेरे पास आज 2 वीडियो है, तो मैं सोचता हूँ अरे 2 ही वीडियो है ना, तो कल कर लेंगे, 2 ही वीडियो एक दिन में निपटा लूंगा, बट वो 2 का 4 हो जाता है, फिर 5 हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है अरे बाप रे मेरे पास 5-6 वीडियो अभी कब एडिट करूंगा। हाँ बट वो एक ही दिन में मैं निपटा भी लेता हूँ, अगर दोपहर में चालू करूँ तो रात तक तो मैं निपटा ही लेता हूँ वो 4-5 वीडियो। अगर मैंने कुछ ऐसा पेंडिंग पे रख दिया कि वहाँ 5 वीडियो, तो मैं निपटा भी लेता हूँ एक ही दिन में, बट ये बराबर नहीं है कि आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज ही एडिट करना चाहिए। ऐसा मैं कभी कभार ही करता हूँ, बट मोस्ट ऑफ टाइम हाँ ठीक है आज किया ना तो कल करूंगा, फिर वो ऐसे वीडियो बढ़ते जाता है और एडिट बाद में होता और है। एक बात, मेरा एक ग्रुप नहीं है, मेरे बहुत सारे ग्रुप है, लाइक एक ट्यूशन का चौल के दोस्त, फिर कॉलेज के दोस्त, फिर वो करण स्वप्निल, वो तो बचपन के दोस्त है, और ये सब भी बचपन के, ट्यूशन चौल के और स्कूल के फ्रेंड और कॉलेज के तो अब भी है ऑफकोर्स, बट वो बराबर ही टाइम देते हैं, और सबके साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ रोज या तो कभी कभार, बट उन सब के साथ भी प्लान चल रहे हैं। कॉलेज के दोस्त लोग के साथ मैं लास्ट टाइम टिट वाला गया था, फिर उसके बाद मूवी, फिर उसके बाद कुछ प्लान बना नहीं है, तो उनको भी पूछना पड़ेगा कि कुछ प्लान है क्या, या मेरे पास भी है, मैं उनको बताऊंगा, तो उनका कुछ चल रहा है तो उनसे भी सजेशन लूंगा। और मार्च अप्रैल में शायद हम जा सकते हैं, उनका भी प्लान बन रहा है। और जो मैंने अभी विला का बात किया, तो वो ट्यूशन के दोस्त लोग के साथ बना है, तो वो तो जा ही रहे, प्रकाश में, ओमकार और राज, ये भी बचपन के दोस्त है, सब बचपन के दोस्त है मेरे कॉलेज के दोस्त लोग को छोड़ के। और करण और स्वप्निल की बात करूँ तो आपको भी पता है कि हमारा प्लान ऐसे
मतलब पता है ना, पहले से ही हम लोग डिसाइड करके नहीं रखते, वो तो कभी भी बन जाता है और हम लोग कभी भी किधर भी चले जाते हैं, तो उसका कुछ कह नहीं सकते, कभी भी प्लान बन सकता है। और मैं चौल के दोस्तों की बात करूँ तो वो उन लोग का कैसा है ना कि मैं उन लोग के साथ ज़्यादा तो रात में ही टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि वही एक टाइम मिलता है टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि सुबह में क्लास, कॉलेज, फिर ये काम वो काम होता है, तो लास्ट में रात को ही मिलते हैं और कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं और प्लान भी बनाते हैं ऐसे किधर तो घूमने जाने का। अभी लास्ट टाइम हम लोग ऐसे ही डिनर के लिए गए थे बाहर रेस्टोरेंट, तो वो एक बना था, तो उसके बाद भी कुछ बन सकता है, अभी तो कुछ बना नहीं है फिलहाल। तो कल जो ट्यूशन लोग के दोस्त मिले थे ना, उन लोग के साथ ही मैंने बनाया था विला का, और चार बनाए, बट वो चार का कुछ फिक्स नहीं है, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, बट एक बार फिक्स होने के बाद वो बता दूंगा। तो बस मुझे इतना ही बोलना है कि अब से ट्रैवलिंग व्लॉग भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, ये 3 महीनों में देखते हैं अगर प्लान एग्जीक्यूट होता है तो। और एक बात कि मैंने एक व्लॉग में बताया था कि मुझे ट्राईपॉड, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव लेना है, वो मैं अभी तक ले ही रहा हूँ, वो भी मैंने अभी तक लिया नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं इतना आलसी क्यों हो गया हूँ, आपको पता है। और एक बात है कि मुझे आधार कार्ड बायोमेट्रिक करना है, वो मैंने अभी तक किया नहीं है, वो पिछले 7-8 महीने से मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि कल करूँगा कल करूँगा, वो कल आया नहीं है, बट वो आज मैं कर ही दूंगा, आज टाइम मिला है ना तो आज वो बायोमेट्रिक कर ही दूंगा, वो काम ख़त्म ही कर दूंगा, क्योंकि 8 महीना हो गया यार, 8 महीने से मैं इतना आलस दिख रहा हूँ तो क्या ही फायदा है, आलस आलस बहुत कर लिया ना, बट जो है वो मैं बता रहा हूँ, वो मैं ऐसा हूँ ऐसा करता हूँ, तो वो तो सब बताना पड़ेगा मुझे कैमरा में। देखो जब मैंने व्लॉगिंग ये शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन की, तो बज रहे थे 25 और अभी बज रहे 43, मतलब इतना समय हो गया, मैं बस अभी इतना ही बक बक कर रहा हूँ, आगे क्या करूँगा पता नहीं, तो अभी चलते बाहर, या तो फिर आज कुछ नहीं कर पाऊँगा तो कल कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, इस ब्लॉग को कभी ना कभी तो कंटिन्यू कर ही लेंगे। तो बस आज के लिए इतना बड़बड़ बहुत हो गया, और ये बुक तो ऐसे ही पड़े, मतलब पड़े नहीं है, मतलब बराबर से मैंने रखा नहीं है, कि कैसा होता है ना कि मुझे अभी कौन सी बुक चाहिए होती है ना, तो मैं डायरेक्ट नीचे से ऐसा निकाल देता हूँ, फिर ऊपर का सब ऐसा हिल जाता है, तो सब ऐसा वो गंदा हो जाता है, तो मैं बस अभी वो सेट कर दूंगा आज, वो क्या करता हूँ आज, कंटिन्यू करता हूँ या अभी नहीं, या तो फिर कल करता हूँ, बट देख क्या क्या सीन होता है। तो आज भी लेट है, बट आज लेट का सीन कैसा है कि आज सैटरडे है और सैटरडे को लेट चलता नहीं है, क्योंकि एक सर है बीसी वाले, मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन सिखाते हैं, अगर उनके लेक्चर में लेट गया तो लेट प्रेजेंट ही लगती है, मतलब वो आधा प्रेजेंट ही लगता है, तो सोच रहे कि आधा प्रेजेंट के लिए भी क्यों जाए, पहले देखते कि दूर से कितने लोग बैठे, फिर देखते सीन क्या क्या है। देख अरे गिन चुन के तो मुझे स्टार्टिंग के ही 4-5 लोग दिख रहे, सॉरी कैमरा में नहीं दिखेगा, थोड़ा डार्क आ रहा है, बट जो स्टार्टिंग के 4-5 लोग बैठते हुए क्या कर रहे थे ना टीचर भी कॉल रही टीचर मेरा कांटेक्ट करते हैं बोल विराज विराज ना कॉल उस सर अरे हाँ विवेक विवेक करे अरे एवढं लक्ष देत आहेत तर भाई ते हेच असेल ना ग काहीतरी शिकवतो स्पीच ना स्पीचचं मला भीती पण नाही रे अरे हिरो पण खाली असली तर जाऊया आणि लेट लेट मार्क नाही लगायगा ना लगायगा ना तो फिर देख ले लगाएगा लगाएगा अरे बाबा अरे कितना बज रहा है देख 7:30 पूरा लेक्चर होता है 7 बजे चालू वो भी लेट आता है वो लेट आए चलेगा वो सर है उसके बाद जो लेट आएगा उसका लेट मार्क उसके ऐसा है कि उसके बाद 10 मिनट सिर्फ हाँ। तो फर्स्ट लेक्चर हो गया तो अन्ना के पास गए थे मेंदूवड़ा खाने के लिए बहुत भूख लगी थी इसीलिए तो प्लान चल रहा था फर्स्ट लेक्चर में ही तो कुछ प्लान हुआ किधर जाने का किधर जाते छिड़ी जाते कभी जाते कल आज रात कभी आज रात को मतलब जाने का कंफर्म है तो ठीक है चलो फिर जाते ये जिम खाना है और जिम खाने के बाहर 1.5 घंटे से प्लानिंग ही कर रहे कि आज क्या होने वाले और क्या करने वाले तो सब कुछ प्लान हो गया तो रात का प्लान सब सेट है बस निकलने की देरी है आज प्लान बना और आज ही निकल जाएंगे मतलब सोचा नहीं था बस बीच में 1.5-3 घंटा भाई लाइन में थे बट दर्शन हो गया अच्छे से हो गया बट तैयार होने में कितना ही टाइम लगता है एक ऐसे चुटकी बजे टाइम लगता है बस इतना हो गया तैयार ऑलमोस्ट टेस्ट के नाम पे हम लोग ने इतना खा लिया ना मतलब ये नहीं लेके गया तो फिर क्या फायदा ही है शिरडी आना बट भाई मैं बोल रहा हूँ कि अभी सोया नहीं ना मैं तो ट्रेन में वाट लग जाएगी लाड़ू का भंडार है पूर्ण अरे पूर्ण तिकड़े पण दाखव पूर्ण भंडार है।